अब देखो एक आप सभी से क्वेश्चन है, नहीं बैठने को नहीं बोला, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं आप बैठ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आप में से कौन कौन है जो बहुत खतरनाक तरीके वाली सक्सेस इस इंडस्ट्री में लेना चाहता है, वो हाथ रेस करें। कई अभी भी सोच रहे हैं, हम सभी चाहते हैं, यस और नो, सब ये चाहते हैं कि हमें देखो आवाज नहीं आई आपकी उस तरीके से, क्या आप चाहते हैं, यस और नो? चाहना और मानना दोनों में डिफरेंस है। चाहत सबकी होती है, ड्रीम सबका होता है, पाता वही है जो डिजर्व करता है। तो हमें छोटी छोटी चीजें होती, बहुत बड़ी बड़ी नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ज्ञानी नहीं बनना है, क्योंकि ज्ञानी लोग फिर बहुत तरह का और भी ज्ञान लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका खुद का ज्ञान ही उनके ऊपर भारी पड़ जाता है, तो उसी ज्ञान के नीचे दब जाते हैं, फिर वो आगे नहीं निकल पाते। छोटे छोटे स्टेप्स जो मैंने अपने जीवन में अपनाए, 18 साल पहले जर्नी स्टार्ट हुई, 2 साल का स्ट्रगल था और 16 साल से इस इंडस्ट्री में टॉप पर हूं। 2 साल का स्ट्रगल, और उसमें से भी 2.5 साल पार्ट टाइम था और चंद महीने फुल टाइम था। मेरे को मालूम है कि सभी लोग अब फुल टाइमर हैं, कुछ को छोड़कर, लेकिन एक होता है फुल टाइम बाय नेम, एक होता है फुल टाइम बाय वर्क। सिर्फ अगर आप फुल टाइम मान के फुल टाइम करना स्टार्ट कर देते हैं तो सिर्फ सक्सेस हासिल करना, जैसे सर साल बोल रहे हैं, 6 महीने का ही खेल है, ओनली 6 मंथ। जून 2002 में मैंने अपने टेक्स सेलिंग का करियर स्टार्ट किया, तब मैं जॉब करता था। जैन 2004 में मैंने फुल टाइम करियर ऑप्ट किया और जुलाई 2004 की मेरी आमदनी 2.5 लाख महीने से ऊपर थी, राइट, 6 मंथ्स के बाद। लेकिन सॉरी टू से, ये आपके बात अंदर नहीं गई, आपको समझ नहीं आई मैंने क्या कहा, क्योंकि आप सबसे बड़ी कमी जो हम में रह जाती है, मैं इतना कुछ करने के बाद, हमारी सीनियरिटी इतना कुछ करने के बाद भी पूरी एक्साइटेड है, हम सबको सुनकर भी अभी जोश के साथ खड़े हैं इतना कुछ करने के बावजूद भी, लेकिन आप ने अभी कुछ भी नहीं किया, इतना कुछ करना बाकी है, फिर भी आपने उस तरीके का जो रिस्पॉन्स आना चाहिए। कहते हैं सक्सेस इज अ गेम ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का गेम है, एक पैशन का गेम है, एक पागलपन का गेम है, एक फायर का गेम है जो आप में सुबह से नजर नहीं आई। आप चाहते हैं हमें सक्सेस मिले, आवाज देखो कितने कम लोगों की आई है, 200 लोग जब आवाज निकालते हैं ना तो नीचे वाले भी पूछते हैं कि ऊपर क्या हुआ है, यस और नो? Yes or no? Yes sir. Yes or no? Yes sir. Yes or no? Yes sir. तो आपके अंदर एक करंट होना चाहिए। करंट कब जाना चाहिए? During invitation, during presentation, during follow up, during training, during calling. और कई कॉल भी करेंगे, morning, मतलब जैसे उनको ठंड लग रही है। फिर कहते देखो एक्सपेक्टेशन बहुत बड़े बड़े हैं सबके, लेकिन कर्म बहुत छोटे हैं। कॉलिंग के अंदर भी एक जोश होता है, जब आप कॉल किसी को करते हैं वो भी आपके अंदर भी करंट लेके आती है, सामने वाले के अंदर भी करंट लेके आती है। एग्री करते हैं इस बात के साथ? यस और नो? यस सर। आप किसी को मैसेज भी भेजते हैं, वो उस पागलपन के साथ ऐसे नहीं किया सर, बहुत सुनना भी कला है, आपके अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं से तो रिएक्शन होता है, चाहे ऐसे हो, चाहे लिख कर हो, चाहे बोल के हो, चाहे क्लैपिंग करके हो, हर चीज एक्ट करते हैं।
हर चीज एक्ट करती है, क्योंकि सॉरी टू से जो रिएक्शन आना चाहिए था सुबह का आपके अंदर नहीं आया, इसीलिए टर्नओवर के अंदर एक्शन नहीं है, रिजल्ट नहीं है। क्या कहते हैं आप? अब ये कहते हैं यंग नजर आ रही है कर्मों में, लॉकडाउन में मैंने अपनी जिंदगी की हाईएस्ट मीटिंग्स की हैं। कोई जलेबी बनाना सीख रहा था, किसकी घरवाली उसको घर के काम पे लगाए हुए थी। कोई कह रहा था समझ नहीं आ रही क्या करूं, और मैंने अपने कैरियर की हाईएस्ट मीटिंग ली है लॉकडाउन के अंदर। इसीलिए तो कहते हैं अगर आपकी जिंदगी में बेरंग हो चुकी ना, तो जाओ जाके मेहनत करो, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लेकर आती है। अगर आपकी जिंदगी बेरंग है तो जाइए जाके मेहनत करिए, तो अपने अंदर थोड़ा लेकर आइए। यंग है 18 साल के, ओल्ड 20 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, लेकिन यंग वाली फीलिंग आनी चाहिए। ईमानदारी से बताइए, आपको मेरे को देखकर यंग वाली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? आपकी फीलिंग गई तेल लेने, मेरे को आ रही है पहले? यस और नो? आपकी फीलिंग से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग। आपकी फीलिंग से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। वो तो क्वेश्चन किया मैंने आपको, बिकॉज आई लव क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने मेरे को अच्छा लगता है। सोचिए, मेरे को फीलिंग आ रही है, देखो मैं कितना चौड़ा होकर खड़ा हूं। आप कहीं तो पजामा से उठा ही नहीं गया अभी तक, तो कहने का मतलब क्या है? सर, काम उठाने के लिए खुद उठना पड़ता है, चाहे हाथ उठाना पड़े, चाहे गला चलाना पड़े। ये सर नो बात शेरो शारी सुनी है आपने, कभी अमल भी तो किया? कहते यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया को कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, अरे तिनका उठाना होता है, तिनका उठाना होता है। सोचिए, तो कहने का मतलब क्या है? चाहिए आपको महंगा सूट, चाहिए आपको महंगे बूट, सही जा रही है लाइन पे ध्यान दीजिएगा। महंगा सूट चाहिए, महंगे बूट चाहिए, महंगी कार चाहिए, महंगा स्टॉक्स का अपना बाजार चाहिए। अपने स्टॉक्स का बाजार महंगा हो तो मजा आता है ना, ऐसा नहीं? तो कहने का मतलब क्या है? तो आपको प्रोडक्ट सस्ता चाहिए, तो क्यों आए हो यहां? सोचिए, घर महंगा चाहिए, कार महंगी चाहिए, सूट महंगा चाहिए, मोबाइल महंगा चाहिए, सब कुछ महंगा चाहिए। सर, ज्यादा कमान ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट ज्यादा आमदनी नहीं देते। पैसा यहां से चाहिए, प्रोडक्ट किसी और का यूज कर रहे हो। सर, सुबह से लेकर रात तक बायोशेष का प्रोडक्ट यूज होता है। रात को मैं तकलीफ होती थी मेरे को, कुछ महीने पहले रात को एक मैं आउट ऑफ इंडिया का नाइट क्रीम यूज करता था, बैंकॉक और थाईलैंड से 3-3, 4-4 हजार का नाइट क्रीम मंगाया हुआ था, गोल्ड पेटल पता नहीं क्या का, सर से के साथ ही मैंने शेयर किया। मैंने कहा सर, सुबह से लेकर रात तक जब रात को सोता हूं ना, तो अच्छी फीलिंग नहीं आती। देखो, ब्रश करते तो पैसा बनता है, आई लव ब्रश करना क्योंकि पैसा आ रहा है। नहा रहे तो सोच रहे, नहाते नहाते कई बार ज्यादा टाइम हो जाता है, और कितने लोग नहाते होंगे अपने साबुन से, फीलिंग आता है। क्रीम लगा रहे फीलिंग आ रही है, शैंपू लगा रहे फीलिंग आ रही है, ब्रश कर रहे, महंगा कहां लगता है? पैसा आ रहा है यार, पहले जा रहा था ये महंगी, आज से पहले ये फीलिंग, ये महंगा लग, सब कुछ महंगा लगता था। अब मैं आपको बताऊं, 100 रुपए वाली पेस्ट महंगी लगती थी, 145 वाली
क्योंकि मेरे घर में नहीं यूज हो रही ना, लाखों के घर में यूज हो रही है, करोड़ों के घर में हम करवाने वाले हैं। क्या समझे? करोड़ों पे ध्यान दीजिए। कैसे हो? तो कहने का मतलब क्या है? मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ब्रश कर रहे हैं तो फीलिंग आ रही है कि पैसा बन रहा है, चाय पी रहे हैं तो नवाबों की तरह पी रहे हैं और सोच रहे हैं इतनी डाउनलाइन सारे पी रहे हैं, वाह, तो फीलिंग आ रही है, फील करेगा फीलिंग। तो सारा दिन वही प्रोडक्ट चलते हैं, घर को बोल दिया है चाय पत्ती का रेट देखना बंद कर दो, पहले देख के लाते थे ना पहले, अब अपनी कंपनी की है यही यूज करने का है। घर वालों की आदत होती, बड़े बुजुर्गों की, हर चीज रेट देख के लेते हैं, लेकिन उनको कहा बस इसको कांटा मार दीजिए, इसका रेट नहीं देखना, रेट पे मैंने कांटा मार दिया, क्योंकि घर वाले जो होते बड़े बुजुर्ग हो गए थे, कितनी महंगी उसको क्या पता, इसी से तो घर चल रहा है। ये सो जाऊं तो रात को, देखो टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है, तो मैं आपको बताऊं रात की बात कर रहा था, नाइट क्रीम लगाता था तो तकलीफ होती थी, पैसा नहीं आ रहा। मैंने खन्ना से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर एक नाइट क्रीम बनाइए, को रात को मैं किसी की क्रीम यूज नहीं कर सकता, पैसा ही नहीं बन रहा। तो सर ने मेरी रिक्वेस्ट मानी और लग्जरी नाइट क्रीम दी, थैंक यू सर, रात को सोते हुए फीलिंग आते, लग्जरी नाइट क्रीम बिकॉज आई लव क्रीम। कंबख्त जो चीज बीवी देती है उसी से प्यार आता है, यस और नो? तो सुबह से लेकर, मैं नहीं कहता जितने भी प्रोडक्ट मेरे घर में यूज होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हम यूज कर लेते हैं जो पहले नहीं करते थे, मतलब 20 25 30 प्रोडक्ट घर में यूज हो रहे हैं। अब ड्राई फ्रूट आया, तो मैंने अपने घर के लिए 2 केजी ऑर्डर किया है, खुद के घर के लिए। तो क्या खा रहे हैं? जिस पे ये लिखा है वही खाने का है? सोचिए, जब तक नहीं था तब और खा रहे थे, जब ये आ गया है तब और खा रहे, तो पैसा यहां से चाहिए, काजू उसका सस्ता है, तेरा तो काम हो गया। इट्स अ गेम ऑफ एटीट्यूड। सोचिए, सब कुछ आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो आप बताइए कि आपके अंदर जोश है? है जोश? है पागलपन? बिकॉज सक्सेस लव एनर्जी, कामयाबी को एनर्जी से प्यार है।